अलावा टपुगड़ा से टपुगड़ा कस्बे के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में विशाल दशहरा मेले का आयोजन किया गया। मैदान में बने मंच पर राम रावण युद्ध की लीला का मंचन किया गया। रावण वध की लीला के बाद 56 फुट रावण तथा 30-30 फुट कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। शानदार आतिशबाजी के साथ जलते रावण को देखकर दर्शक गदगद हो गए। इससे पूर्व रामलीला कमेटी टपुकड़ा के द्वारा शाम 4 बजे प्राचीन शिव मंदिर से राम लक्ष्मण सीता हनुमान और रावण की झांकियां निकाली गयी। यह विशाल शोभा यात्रा मुख्य बाजार और पुराना बस स्टैंड से होते हुए खेल मैदान पहुंची, जहां पर भगवान राम और रावण का युद्ध लीला का मंचन किया गया। भगवान राम ने रावण दहन किया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रघुवर तनवर ने बताया कि दशहरा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महावीर सिंह ठेकेदार रहे। मेला स्थल पर बलजीत पोसवाल के द्वारा दर्शकों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई। इस दशहरे मेले पर हजारों की संख्या में दर्शक भाग लिया, अतः भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। टपुकड़ा पुलिस का विशेष सहयोग रहा। मैदान के बाहर और मू चौक पर बड़ी संख्या में मिठाइयां, चाट, पकौड़ी, खिलौने, मूंगफली आदि की दर्जनों अस्थायी दुकानें लगी, जिन पर महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने भारी खरीदारी की तथा मिठाई, चाट, पकौड़ी आदि का आनंद लिया। वहीं ओम प्रकाश गर्ग के द्वारा रामायण का वाचन किया गया। इस अवसर सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, नरेश जांगिड़, पदम चंद मित्तल, कालू महाजन, ओपी गोयल, रण सिंह महेंद्र पोसवाल, संजय गुप्ता, देवेंद्र गर्ग, शिव शंकर गुप्ता, बिट्टू गर्ग सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।